हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम हिंदुस्तान फूड्स से रिलेटेड। हिंदुस्तान फूड्स से की बात करें तो इसके आज रिजल्ट आया और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आया। कंपनी ने जो कहा था वो डिलीवर किया है। एज वेल एज अगर बात करें इनके हमने 900 रुपये पे ये शेयर यहाँ पर रिकमेंड किया था। अगर बात करें यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ हिंदुस्तान फूड से रिलेटेड बनाई गई थी और अलग अलग टारगेट बताए गए थे। ओके, 900 रुपये से यहाँ पर ये आपको बताया गया था और 900 रुपये के बाद से इसने जो आपको गेन दिया है, अगर आपको 150% के आसपास का गेन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसी से रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज अगर बात करें आज की डेट में यहाँ पर एक शेयर वीडियो बनाई गई है, JTEKT से मैंने यहाँ एग्जिट किया है क्योंकि ऐसी ही एक कंपनी, इससे अच्छी कंपनी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी जहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर मदरसन सोमी में यहाँ पर एंट्री करी है। इस वीडियो को देख लेना, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा, चार्ट पैटर्न काफ़ी नहीं बन रहा है। तो आइए वीडियो की तरफ। हिंदुस्तान फूड्स की बात करें तो लगभग यहां पर जब 900 रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा था, अगर बात करें यहां पर हम देख लेते हैं तो 900 रुपए के आसपास जब ये शेयर यहां पर चल रहा था, हमने आपको बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी और उसके बाद ये शेयर भागता हुआ नजर आया, कुछ ही दिनों में भाग गया था और अच्छे खासे आज की डेट में देखे तो 150-160% के आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिल रहे हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है इस कंपनी का और हिंदुस्तान फूड्स काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। आज की डेट में देखी जाए 14,000 शेयर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए। लास्ट में यहाँ पर आज के दिन में यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है। यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर देखिए गिरा हुआ था, फिर ऊपर भागा, फिर रिजल्ट आए ऑन द स्पॉट, फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुक होता हुआ दिखाई दिया। तो आपको बताना चाहता हूँ प्रॉफिट बुकिंग का कोई भी फायदा नहीं था। यहाँ पर कुछ लोगों को नेगेटिव यहाँ पर शायद कुछ दिख रहा हो कि प्रॉफिट कम हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ रीजन है इसकी वजह से ऐसी शेयर को गिरा देते हैं। बट अगर इस बार ये शेयर गिरता है ना तो इसका चार्ट पैटर्न इतना अच्छा बनेगा कि ये और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि मैं आपको कोई भी यहाँ पर राइट इशू एक बार आया था, उसके बाद यहाँ पर कुछ बोनस स्प्लिट आज तक कंपनी ने नहीं दिया है। बट यहाँ पर कंपनी को बोनस स्प्लिट देने की जरूरत ही भी नहीं है, कंपनी जिस तरीके से रिटर्न देती है ना, एवं यहाँ पर देखेंगे एक साल में 372%, छः महीने में 51%, 6 महीने में यहाँ पर 165% के रिटर्न, 300%, 400%, 500%, 1300%, 5 साल में 1700%, इस तरीके के रिटर्न देने वाली कंपनी हमेशा आगे जाती ही है। ओके, यहाँ पर ये वेबसाइट इनकी ओपन नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, बट कोई इशू नहीं है। देखिए इसके रिटर्न, इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे हमें पता था। क्यों पता था? क्योंकि FMCG में ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो इसके जो क्लाइंट है इमामी, डाबर, ओके, एज वेल एज बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, मतलब सबके रिजल्ट तो अच्छे आए हैं। तो यहां पर इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने थे, इसका हमें ऑलरेडी पता ही था। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 5108 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। डेट है कंपनी के पास, बट अपने आप को एक्सपेंड कर रही है इसलिए डेट है। यहां पर प्लेजिंग की बात करें 0% की प्लेजिंग, 18% के ROCE पे ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो 44 करोड़ से यहाँ पर लेके ओके पिछले 12 क्वार्टर में यहाँ पर बात करें 482 करोड़, मतलब हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पर बात करें कंपनी का हाईएस्ट एवर यहाँ पर कंपनी ने डिलीवर किया था कि हर साल दुगने पर से हम परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर डबल होता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पर भी डबल होता हुआ यहाँ पर सेल्स दुगनी होती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी ने जो कहा था वो डिलीवर किया है। रिजर्व्स की बात करें अच्छे खासे रिजर्व्स, बोरिंग है कंपनी का बट अपने आप को एक्सपेंड कर रही है धीरे धीरे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्सपेंड कर रही है, फिक्स एसेट बढ़ रहा है, मतलब कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चे कर रही है, इस चीज़ को देख सकते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए लगभग 62% की होल्डिंग है, FIIs यहाँ पर 7% के आसपास है, DIIs भी इतनी परसेंट है, और यहाँ पर बात करें पब्लिक की तो केवल 10-12% की होल्डिंग है पब्लिक के पास, बाकी सारी होल्डिंग सारे अच्छे हाथों में यहाँ पर नजर आती है। यहाँ पर ये वेबसाइट हाँ ओपन हो गई है फाइनली। देखिए अरविंद, जाइडस, अरविंद के रिजल्ट कितने अच्छे आए आज की डेट में वो देख लिए, जाइडस के रिजल्ट अच्छे हैं, हेक्टर बेवरेज, ITC, इमामी, बाटा, इन सब के रिजल्ट अच्छे आए, रेक्टे, एमआरिको, गोदरेज, ओके गोदरेज के रिजल्ट, हिमालय, गैब, विप्रो, बॉम्बे है, और यहाँ पर HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सारी कंपनी के लिए एक ये प्रोडक्ट तैयार करती है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। इनके प्रोडक्ट्स भी आप देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर जाएंगे बट यहाँ पर रिजल्ट पर आ जाते हैं सीधे। तो अगर हम बात करते हैं इसके रिजल्ट की तो रिजल्ट यहाँ पर सीधे यहाँ पर देखते हैं इन लैक्स में है,
38,332 लाख रुपीज़, से पहले 38, इससे पहले 24। कंपनी ने डबल यहाँ पर रेवेन्यू, टोटल इनकम डबल होती हुई नज़र आ रही है एक साल में ही, और यहाँ पर एक क्वार्टरली बेस पर भी जंप है। यहाँ पर एक्सपेंस भी कंपनी के ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 1127 करोड़ का लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 1256, इससे पहले 710। देखो ईयरली बेसिस पे तो अच्छे खासे जंप है, बट क्वार्टरली बेस पर गिरावट हो रही है, इसलिए कह सकते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसके पीछे का रीज़न है करंट टैक्स, यहाँ पर कंपनी ज़्यादा टैक्स देती हुई नजर आ रही है, वरना प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो यहाँ पर 1763, मतलब ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस में यहाँ पर प्रॉफिट में भी जंप होता हुआ नजर आ रहा है। ईपीएस देखिए लगभग बराबर ही है, और ईयरली बेसिस में यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये वेबसाइट अगर ओपन हो गई हो तो यहाँ पर देख सकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स भी आप देख लीजिए, यहाँ पर फूड बेवरेज, पर्सनल केयर, होम केयर, लेदर, यहाँ पर सब चीज़ में ये कंपनी मतलब जूता चप्पल बाटा के लिए बना देती है। ओके, होम केयर में यहाँ पर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, फूड, यहाँ पर एचयूएल के प्रोडक्ट्स यहाँ पर सब मिलेंगे, टी वगैरह अगर देखें ना, फूड एंड बेवरेज, ये ब्रेकफास्ट और सूप यहाँ पर देखेंगे तो आप जाइए देखिए इनके, नाइका, रेड लेबल, हार्पिक, ताजमहल, ब्रू, ये सारे प्रोडक्ट यही कंपनी बनाती है। थोड़ा इस चीज़ को आप यूज़ करते हो तो इस चीज़ को देखिए, हाईएस्ट एवर पर ये कंपनी ऑलरेडी चल रही है, बट अगर मैं देखूँगा कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और पर ये शेयर और यहाँ पर थोड़ा सा गिर जाता है ना, ओके, थोड़ा सा गिर के फिर उठता है, तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न बनेगा। और यहाँ पर देखिए कंपनी बार बार इस लेवल पर आके इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पर है, ओके, और यहीं पर ही यहाँ पर एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ लिया, मतलब आसपास ही ये कंपनी घूमती हुई नज़र आ रही है पिछले 3-4-5 महीने से, बट कभी भी ये कंपनी भाग सकती है। और एक बार यहाँ पर थोड़ा सा और गिरते हुए ये भागता उठाना ये शेयर, तो यहाँ पर देखिए बहुत बेहतरीन यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये इसका ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये हेड बन जाएगा, ये जो मैं बना रहा हूँ ये हेड बन जाएगा, और थोड़ा सा यहाँ पर और गिरता हुआ गिर के ऊपर चला जाए ना ये शेयर, तो यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा अच्छा खासा। तो यहाँ पर देखिए ये शोल्डर बन गया इसका, ये हेड बन जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ पर एक शोल्डर बनता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर चला जाए, अच्छा खासा यहाँ पर आपको गेन देकर देता हुआ नज़र आएगा। और फिर कितना गेन देगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका अगर लो देख लिए, यहाँ पर इसका लो है, इसे यहाँ से इस तरीके से उठा लेते हैं, ओके, तो फिर यहाँ से 41% के गेन फिर दोबारा देता हुआ नज़र आएगा, और ये फिर 3000 क्रॉस करता हुआ शेयर नज़र आएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करके आप यहाँ पर देखेंगे ना तो अच्छा खासा यहाँ पर गेन मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए, ओके, बेचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसे रिकमेंड नहीं करूँगा बेचने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर बेचने के लिए नहीं, अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए, अपने पास रखने के लिए आए हैं। और यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर वॉल्यूम भी नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है, बेचना नहीं चाहता, थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रेडिंग करते रहते हैं लोग यहाँ पर 2000-4000 शेयर की, वरना यहाँ पर कोई बेचना भी नहीं चाहता, इसे केवल खरीदना चाहते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर आप पोजीशंस ले सकते हैं, बट मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कुछ पोजीशन लीजिए। हिंदुस्तान फूड्स का नाम है, अच्छे रिजल्ट है, अच्छी इसकी नंबरिंग आई है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, थोड़ा सा गिर के और ऊपर उठता है तो और अच्छा यहाँ पर रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, दूसरे लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़िए, प्लेलिस्ट में यहाँ पर आपके लिए वीडियोज़ बनाई गई हैं, वीडियोज़ इसके रिलेटेड यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर वीडियो बनाई गई है, उसे भी जाके देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।